मुरादाबाद जनपद के भगतपुर थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब तेज रफ्तार से आ रहे गैस कैंटर ने बाइक सवारों को रौंद दिया। हादसे में मौके पर ही बाइक सवारों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना को अंजाम देकर गैस कैंटर ड्राइवर गैस कैंटर को छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम को भिजवा दिया है। भगतपुर थाना क्षेत्र के परसुपुरा बाजे गांव के रहने वाले चंद्रपाल पुत्र केहर सिंह अपनी 2 वर्षीय बेटी मानवी और अपने भतीजे बिक्की पुत्र आनंद पाल को लेकर पड़ोसी जनपद रामपुर के टांडा दवाई लेने बाइक से जा रहे थे। जब ये लोग पुल पर पहुंचे तो मुरादाबाद दिशा से आ रहे तेज रफ्तार गैस के कैंटर ने अनियंत्रित होकर बाइक को रौंद दिया, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों और 1 मासूम बच्ची की मौत हो गई। तीनों ही मृतक एक ही परिवार के थे। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन घटना को अंजाम देकर चालक गैस कैंटर को छोड़कर फरार हो गया। जैसे ही घटना की जानकारी मृतकों के परिवार वालों को मिली तो परिवार में कोहराम मच गया। एक ही परिवार के एक साथ 3 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। पुलिस ने गैस कैंटर को अपने कब्जे में ले लिया और चालक की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने तीनों शवों का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। श्री केहर सिंह कहाँ के निवासी हैं? पशुपाल। ये जो घटना घटी है ये क्या दुर्घटना घटी है? ये हमारी नातनी की दवाई लेने के लिए टांडा जा रहे थे। इनके बेटे हमारे बेटे चंद्रपाल सिंह और हमारी नातनी लड़की मानवी और एक हमारा पोता था, वो भी नाती था। ये दवाई लेने के लिए टांडा जा रहे थे। इनके साथ में दुर्घटना पीछे से हुई है, जब इनको मृतक का स्थान मिला। तो इसमें जो दुर्घटना घटी तो तीनों लोग ऑन द स्पॉट मृतक हो गए? हाँ, तीनों लोगों की मृतक हो गई। हाथों हाथ भेद हो गई। आपको कैसे पता चला? हमें किसी ने सूचना दी थी, जबकि पुलिस वाले जो है गाड़ी में डालकर उनको लेकर के गए हैं। उनके बाद में यहीं से कोई सूचना मिली है हमको। हमें चौकी से सूचना मिली। हाँ, चौकी से के साथ जिस तरह की जो है दुर्घटना हुई है। मौके पर कोई आला अधिकारी पहुंचे थे? हाँ, पुलिस स्टाफ। हाँ, पुलिस स्टाफ पहुँचा था हमारी चौकी का। जब तक हमें सूचना मिली तब तक पुलिस उनको उठा बॉडी को ले जा चुके थे। आपने कोई तहरीर वगैरह दिया थाने में? मेरा नाम महिपाल सिंह है। कहाँ के निवासी? मैं परसुपरा वाली रहता हूँ। सर, ये जो घटना घटी है इसमें क्या हुआ है? ये हमारे गांव के चंद्रपाल सिंह हैं, उनका भतीजा बिक्की और वो अपनी बेटी की दवाई दिलाने टांडा जा रहे थे। तो टांडा जाते समय जो नचना का पुल है, जो ब्रेकर पड़ता है, वहाँ पर जो गाड़ी हल्की करी है, पीछे से ये गैस टैंकर वाला आ रहा है, वो तेज गति चलाते हुए उनको रौंद कर चला गया है। उसी में उनकी मृत्यु हो गई है। तीनों लोगों की ऑन स्पॉट खत्म हो गया, जबकि हेलमेट भी लगा हुआ था। काफ़ी ज़बरदस्त टक्कर है। अब मौके पर कोई आला अधिकारी पहुंचे थे? मौके पर पुलिस स्टाफ पहुंचा है, उसने उठाकर सामुखी मोर्चरी के लिए भेजा है। बड़ा अधिकारी नहीं है, जो लोकल स्थानीय है वो पहुंचे। अब आपने इसकी सूचना दे दी थाने वगैरह? हाँ, FIR इसकी दे दी गई है। SS साहब आए हैं, वो तो स्थानीय प्रशासन गया है, FIR करा दी गई है। थाना क्षेत्र भगतपुर में आज सुबह मोटरसाइकिल से 2 व्यक्ति जा रहे थे, उनके साथ एक बच्ची भी थी। एक्सीडेंट में एक कैप्सूल से एक्सीडेंट उनका हो गया, इससे तीनों घायल हो गए। घायलों को उचित उपचार हेतु अस्पताल पहुँचाए गए, जहाँ तीनों की मृत्यु हो चुकी है। पंचायतनामा के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और कैप्सूल चालक को मैं वहाँ गिरफ्तार किया जा चुका है। अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।